का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन और वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर नहीं करा रहा। और हर बार की तरह वापस आए तो वेलकम बैक गाइस, आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करके मेरे को इतना इंकरेज करने के लिए थैंक यू। नाउ बैक टू द स्टोरी। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विंग के लिए वैन क्लैन यानी ये कह दिया जाए स्पेशली वैन चाओ और वैन जूर के लिए वैन जूलियो ने कुछ बड़ा प्लान किया है। वहीं दूसरी तरफ लायन क्लैन भी इस बार ऐसे ही नहीं आए, कुछ है जो लायन क्लैन ने भी प्लान किया हुआ है। अब इस रेस को स्टार्ट करने से पहले सब लोग उस बड़े से ग्राउंड में पहुंच गए। इस ओपन ग्राउंड में एक बड़े बड़े एक तरीके से बैनर्स, होर्डिंग्स और झंडे लगे हुए हैं हर क्लैन के। हर यहाँ पे अल्फा और ओमेगा अपने अपने क्लैन के कपड़ों में खड़ा हुआ है, जैसे कि नी क्लैन अपने ग्रे में, लैन क्लैन अपने वाइट और ब्लू में, वैन क्लैन अपनी रेड में, और वहीं आप जिन क्लैन गोल्डन में, और हमारे जियांग क्लैन के दोनों क्यूट से और ओमेगा अपने डार्क पर्पल और लाइट पर्पल में, जहाँ विंग डार्क पर्पल में और जंचा थोड़े लाइट और डार्क के मिक्स पर्पल में। ये लोग अब वहाँ सामने खड़े हुए हैं एक, और सब लोग अब सामने पोडियम की तरफ देख रहे हैं, जहाँ पे आप पोडियम के ऊपर खड़े होकर मतलब एक तरह से जिन गौनशान और नी सेक लीडर मिलकर इस रेस को स्टार्ट करने से पहले सब लोगों का वेलकम कर रहे हैं और इस नाइट हंट के रूल्स को बताना शुरू कर रहे हैं। जब यहाँ पे सारे अल्फा आके खड़े हुए थे तो सब लोगों की नज़र ना चाहते हुए भी जियांग्स के ओमेगा पे ही अटक गई थी। सचमुच में ये जियांग्स क्लैन के ओमेगा बहुत ब्यूटीफुल हैं, खासकर ये वी वुशान। वहीं जैसे ही जियांग्स क्लैन के ओमेगा यहाँ आए थे तो सिर्फ बाकी सब नहीं बल्कि दो खास अल्फा भी थे जिनकी नज़रें खासकर वी वुशान पे थी। ये कोई और नहीं बल्कि लांग वांग जी और लान शी चैन थे। वहीं लांग वांग जी और लान शी चैन सिर्फ वी वुशान को देखते हुए मन में याद कर रहे हैं कि कैसे यहाँ आने से पहले लान कुरान ने उनको दोनों को स्पेशली अपने रूम में बुलाया था और फिर उनसे साफ साफ कह दिया था कि वो इस बार इस मीटिंग हंट का पार्ट बनेंगे और वहाँ सिर्फ उन दोनों को एक ही ओमेगा पर ध्यान रख रहे हैं। जैसे कहते हैं ना, अर्जुन की नज़र सिर्फ मछली की आँख पे थी जब उसने तीर चलाया था, वैसे ही इन दोनों की नज़रें सिर्फ और सिर्फ एक ही ओमेगा पे होनी चाहिए और जो है वी वुशान। इन दोनों में से किसी एक को आज हर हालत में वी वुशान को मार्क्ड और क्लेम करना है। अगर ये दोनों ऐसा कर पाए तो उनके अंकल यानी लान कुरान को बहुत खुशी होगी। आज उनके टीचर ने जिन्होंने बचपन से लेकर आज तक उन्हें शिक्षा दी, सब कुछ कहा, उन्होंने अपनी एक तरह से गुरु दक्षिणा कह दो पहली बार इन दोनों से कुछ मांगा है, तो ये दोनों इस उम्मीद से आए हैं कि कुछ भी हो जाए वो आज ऐसा करेंगे। वो हर हालत में आज उनके अंकल को वी वुशान को माफ करके दिखाएंगे। इन दोनों ने एक दूसरे से सब कुछ प्लान भी किया है कि ये दोनों में से कोई एक हमेशा मतलब एक तरह से वी वुशान के आसपास रहेगा और अगर किसी ने भी वी वुशान के किसी और अल्फा ने पास में आने की कोशिश की तो इनमें से एक उसे रोकेगा और दूसरा वी वुशान को मार्क या उसके पास जाने की कोशिश करेगा। इसी कारण इन दोनों की नज़रें सिर्फ वी वुशान पे हैं। वहीं वी वुशान जब से यहाँ आया है वो चुलबुले अपने अंदाज में सबको स्माइल करता हुआ देख रहा है, मिल रहा है। वैसे तो वो सबसे पहले जिससे मतलब देख के स्माइल किया है या उसकी नज़रें मिली तो कोई और नहीं बल्कि उसका प्यारा सा अल्फा वैनिंग है जिसे वो स्माइल करके देख रहा है। नहीं जेंचा भी वैनिंग और विंग को ऐसे करते हुए देखकर थोड़ा सा इरीटेट होता हुआ अपनी आँखें रोल करता हुआ विंग की तरफ देखता है और थोड़ा गुस्से वाले टोन में बोलता है, बोलो मत तुम यहाँ पे सिर्फ मेरी वजह से आए हो, एक मिनट भी मुझे अकेला छोड़ के जाने के बारे में सोचना मत, मुझसे दूर होने के बारे में सोचना भी मत। अरे तुम इतने डर रहे हो क्या जिनचा, तो तुमने पार्ट क्यों लिया था? मैं डर नहीं रहा हूँ बल्कि मुझे तुम्हारी चिंता है क्योंकि मुझे तुम्हारे इस अल्फा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये बिल्कुल भी एक स्ट्रॉन्ग अल्फा की तरह नहीं लगता और ना ही बिहेव करता है, इसलिए मुझे डर है कि इसके साथ तुम्हें रखने में ज़्यादा खतरा है, इसलिए तुम मेरे पास रहना। इस बात पे विंग स्माइल करता हुआ बोलता है, और मुझे तुम्हारी फिक्र है, चिंता मत करो, मैं वैसे भी एक मिनट भी तुमसे दूर नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। कहीं ना कहीं ये दोनों स्माइल करते हुए एक दूसरे को देख के यही बातें बोल रहे हैं। वहीं कोने में बैठी मैडम यू भी इन दोनों को देख रही हैं और याद कर रही हैं
किया अभी थोड़ी देर पहले, वो इनके टेंट में गई थी और उन्होंने इन दोनों से वादा लिया है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि मैडम यू इन दोनों के लिए बहुत कंसर्न है। और वो ये भी जानती है कि जब ये दोनों एक साथ होंगे तो कितने भी बड़े अल्फा और कितने भी स्ट्रॉन्ग अल्फा एक साथ आ जाएं, पर ये दोनों मिलकर उसे हरा देंगे। लेकिन अगर ये दोनों अलग हो गए और अलग मतलब इन दोनों के ऊपर एक साथ अटैक हो गया तो ये कैसे करेंगे। इसलिए मैडम यू ने विंग को बोला है कि वो जनचा का बहुत ध्यान रखे, और जनचा को बोला है कि उसे विंग का बहुत ध्यान रखना है ताकि ये दोनों एक दूसरे को सेफ रखने के और खुद भी सेफ रहें। वहीं दूसरी तरफ अब जिन गौनशान हैं जो बोलना शुरू करते हैं, इस रेस की शुरुआत होने से पहले मैं आपको इस रेस के रूल बता देता हूँ। वैसे तो ये रेस हर साल होती है और इस रेस में हर साल हर क्लैन के अल्फा और ओमेगास आते हैं, लेकिन उसके बावजूद एज एक तरह से होस्ट, इस रेस के होस्ट, मैं आपको दोबारा से रूल्स रिपीट करता हूँ। ये रेस स्टार्ट होगी फॉरेस्ट के इस छोर पे और एंड होगी फॉरेस्ट के बिल्कुल एंड में, जहाँ हम लोग आप लोगों का इंतज़ार करेंगे। जो भी अल्फा और ओमेगा एक दूसरे को मार्क कर देंगे उसी समय वो रेस उनके लिए वहाँ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन जो अल्फा और ओमेगा एक दूसरे को मार्क नहीं करेंगे और एंड रेस में पहुँचेंगे वो विनर अल्फा और ओमेगा डिक्लेयर किए जाएंगे। इस बीच में वह दोनों एक दूसरे को मार्क करने के भी अटैम्प्ट करेंगे। कोई अल्फा अगर किसी ओमेगा में इंटरेस्टेड है तो वो उसे एक तरीके से चुनौती देगा, चाहे वो तलवारबाजी हो या नाइट हंट में एनिमल कैप्च करने की टारगेट। जो भी ये रेस को एक दूसरे को चैलेंज करेगा वो अल्फा और ओमेगा एक दूसरे पे ना ही अपनी अल्फा कमांड या ओमेगा अपनी अल्फा ओमेगा सेंट डाल सकते हैं। अगर इस चीज़ का यूज़ हुआ तो वो अल्फा और ओमेगा उसी समय डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। आपको एक दूसरे को बिना टच करे अपनी पावर दिखानी है, यानी एक दूसरे के साथ जैसे किसी एक जानवर को हंट करने में या फिर तलवारबाजी के थ्रू आप एक दूसरे को टारगेट कर सकते हैं। कोई भी फिजिकल हो नहीं होने की कोशिश करेगा। अगर कोई अल्फा दूसरे ओमेगा के साथ अगर एक तरह से फिजिकल फॉर्म में लड़ना भी चाहता है तो उस समय एक किसी और ओमेगा या अल्फा का वहाँ होना तय है। अकेले आप लोग एक दूसरे को इस तरीके से चैलेंज नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि इस पूरे हंट में जो ओमेगा सबसे ज़्यादा या जो अल्फा सबसे ज़्यादा एनिमल हंट करेगा और विनर रेस पे पहुँच जाएगा वही सबसे मतलब विनर डिक्लेयर होगा। और हाँ, इसके अलावा अगर आप लोग एक दूसरे के साथ मेट वाला एक तरह से नहीं कंपटीशन करना चाहते, खासकर अगर कोई ओमेगा नहीं चाहता किसी अल्फा के चैलेंज को एक्सेप्ट करना, तो वो उसी समय रेस छोड़कर भी विड्रॉ कर सकते हैं। हम आपको पहले से ही सारे रूल बता चुके हैं। अब एक तरीके से ये एक फेयर गेम की तरह खेला जाएगा। यहाँ कोई ऐसा नहीं है कि ओमेगास के पीछे भाग के उसे जबरदस्ती पकड़ के उसे जबरदस्ती मार्क कर दिया जाए। अगर ऐसा होगा तो वो अल्फा तुरंत डिसक्वालीफाई हो जाएगा और ना ही वो मार्क माना जाएगा, एक तरीके से उस मार्क को डिसक्वालीफाई माना जाएगा। इसके अगर किसी ओमेगा के साथ ऐसा होगा तो माना जाता है कि 3 साल तक वो ओमेगा किसी और अल्फा के साथ फिजिकल नहीं हो सकता या शादी नहीं कर सकता, लेकिन 3 साल बाद वो मार्क उसके गले से हट जाता है। तो मतलब एक तरीके से अगर कोई जबरदस्ती मार्क भी कर दे तो कोई फोर्सफुली उसे उसके साथ रहना ही पड़ेगा या शादी ही करनी पड़ेगी, ऐसा रूल नहीं है। ये चीज़ भी यहाँ पे क्लियर बताई गई है। एक तरीके से एक फेयर गेम की तरह ही खेला जाएगा, ऐसा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और यही सोच के हर बार अल्फाज और ओमेगास एक मतलब एक तरीके से इस रेस का पार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ अचानक से वेंजुलियो अब किसी की तरफ देख के स्माइल करता है, वहीं वो पर्सन भी वेंजुलियो को इशारे में हाँ कर देता है। कहीं ना कहीं वेंजुलियो ने इस पूरे रेस में और खासकर इस फॉरेस्ट में कुछ बड़ा सोचा हुआ है। अब वो क्या सोच रहे हैं अभी तो किसी को नहीं पता, लेकिन अब तुरंत रेस स्टार्ट होने का डिक्लेरेशन होती है। जैसे ही ये होता है तो सबसे पहले ओमेगास को ही जाने के लिए बोला जाता है। ओमेगास 15 से 20 मिनट पहले फॉरेस्ट में एंट्री करते हैं और अपने अपने एरिया को अपने हिसाब से स्टार्ट कर देते हैं, यानी जहाँ पे वो हंट करेंगे, कौन सा वो रूट लेकर फाइनल एक तरह से डेस्टिनेशन तक जाएंगे वो उनसे पहले वो पहले ही फाइनल कर देते हैं। उसके बाद अल्फा एंट्री करते हैं। यहाँ पे दो तरीके से मतलब एक तरह से हंट किया भी जा सकता है। आप इंडिविजुअल भी अपना ट्रैक डिसाइड करके
हंट करते हुए लास्ट तक फिनिशिंग लाइन तक जा सकते हैं या फिर ग्रुप में भी ऐसा कर सकते हैं। अधिकतर सिबलिंग्स ही ऐसा करते हैं, जैसे कि आज से पहले वेंसू और रेंचा करते थे, वो दोनों एक साथ ही हंट्स करा करते थे, यानी वो एक दोनों एक साथ ही ओमेगास को टारगेट करते थे, फिर उन्हें वॉर एक चैलेंज दिया करते थे, फिर वो चैलेंज हार जाते थे तो उन्हें मार्क कर देने की कोशिश करते थे, कभी जबरदस्ती भी कर देते थे या ओमेगा खुद ही मार्क हो जाते थे। इस टाइप से होता था अधिकतर, तो ओमेगास रेंचू और रेंचाओ के ओमेगा बनने के लिए कभी इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन अगर वो लोग चैलेंज कर दे और उन्हें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं बचता, उन्हें फिर वो एक्सेप्ट करना पड़ता है एज अल्फा, उन्हें अपना अल्फा एक्सेप्ट करना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये बात वेंसू और रेंचाओ बहुत टाइम से करते हुए आ रहे हैं, और आज ऐसा है वो अकेले नहीं है बल्कि सिबलिंग्स बहुत सारे हैं और सब लोग थोड़े अलग ही स्टाइल में खेल रहे हैं। इस बार सिर्फ कल्टीवेटर नहीं बल्कि हायर्स भी पार्ट ले रहे हैं, इसी कारण सबकी एक तरह से खेलने की स्ट्रेटेजी बिल्कुल अलग है। जैसे नारायण वांगजी और लांशी चैन, जिनका ध्यान सिर्फ विंग पे है, वो दोनों सिर्फ विंग वाले ट्रैक को ही क्रॉस करने की सोच रहे हैं। वैसे विंग के ट्रैक पे तो और भी बहुत सारे लोग हैं, जिनमें से एक हमारे वैनिंग और वेंचिंग भी हैं। वैनिंग वेंचिंग के साथ ही इस रेस में पार्ट ले रही है, वो एज अ हीलर और वॉलंटियर ही पार्ट ले रही है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो हंट कर सकती है या फिर वो मतलब वो हंट नहीं कर सकती है, वो सिर्फ अपने किसी को चोट लगी किसी ओमेगा या अल्फा को तो उनकी हेल्प करने के लिए उन ट्रैक्स पे उन अपने भाई के साथ ही जा रही है। वहीं वैनिंग विंग के साथ रहना चाहता है क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो उसका फियांसे है और विंग उस और वो एक दूसरे को पसंद भी काफ़ी करते हैं। विंग एक पहला ऐसा ओमेगा है जिसने वैनिंग को दिल से अपना दोस्त माना, बचपन से ही वो विंग का बहुत विंग के साथ बहुत कंफर्टेबल फील करता है, तो वो नहीं चाहता कि विंग को कोई और अल्फा चैलेंज करे। वो शायद बहुत स्ट्रांग तो नहीं है लेकिन वो इतना वीक भी नहीं है कि वो अपने विंग को किसी और अल्फा को मतलब ऐसे ही चैलेंज करने दे, इसलिए वो विंग के वाले ट्रैक पे है। विंग के वाले ट्रैक पे ऐसे ही अब वेंचाओ और वेंजू भी है, वहीं हमारे विंग और जेंचा तो मस्ती में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब विंग बड़े स्टाइल से अपने हाथ में कुछ खाता हुआ स्माइल करता हुआ आगे की तरफ जा रहा है, अब बोल रहे हैं ओहो जेंचा हम ऑलमोस्ट सेंटर में आ गए हैं, पर इस ट्रैक पे तो हमें अभी भी एक भी कोई एनिमल या कोई गोस्ट नहीं मिला, तुम्हें लगता है कि हम सही ट्रैक पे हैं? इस तरीके से तो हम हार जाएंगे बिना किसी हंट के, अगर मैं फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा तो मैं वैसे ही हार जाऊंगा, मुझे लगता है हमें ट्रैक चेंज करना चाहिए। विंग ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ, तुम्हें पता है अधिकतर सब लोग हंट के चक्कर में उसी वाली ट्रैक पे होंगे, और किसी और अल्फा ने तुम्हें चैलेंज कर दिया या मुझे चैलेंज कर दिया तो इससे अच्छा यहीं पर चलते हैं, और ऐसे बिना किसी एनिमल को मारे बिना कुछ हंट करे अगर हम फाइनल तक पहुंचेंगे तो हम जीतेंगे कैसे? मैंने बोला ना मुझे विनर बनना है, मुझे आप हर हाल में अपने मास्टर की पोजीशन को लेना है, उन्हें दिखाना है कि मैं उनका कितना अच्छा शिष्य हूँ, इसलिए मुझे इस ट्रैक पे नहीं रहना। विंग वो बहुत ख़तरनाक है, वह बहुत गहरी गहरी खाई है, बहुत गहरे गहरे झरने हैं, और पता नहीं वहाँ कौन सा जानवर हो, तुम्हें पता है ना जहाँ बहता पानी होता है वहाँ ज़्यादा खतरनाक जानवर होते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भाई किसी जानवर से डरेगा? मुझे तो जानवर का बिल्कुल डर नहीं, बस डर इन अल्फाओं का है। पता नहीं ये लोग कैसे होते हैं अपने अल्फा कमांड से लोगों को कमांड करना, मुझे तो कोई अल्फा पसंद नहीं सिवाय मेरे वैनिंग के, वो कितना स्वीट है ना, वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करता, हमेशा स्वीटली मेरे साथ रहता है। मैं तो कभी कभी खुद को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरी एंगेजमेंट वैनिंग के साथ हुई। तुम सच्ची में एक पागल हो क्या? अल्फा स्ट्रांग होने चाहिए, अल्फा पावरफुल होने चाहिए जो तुम्हें सेव कर सके, तुम्हें प्रोटेक्ट कर सके। तुम्हें अच्छे से पता है इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में कोई ओमेगा स्ट्रांग नहीं है, कोई ओमेगा प्रोटेक्टिव नहीं है। कितने सारे ओमेगास हैं जो मार्क तो हो जाते हैं लेकिन उनके अल्फा कभी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, उनसे शादी नहीं करते, और उसके बाद वो उन्हें किस तरीके से दूसरों के सामने फेंक देते हैं। तुम चाहते हो कि इस टाइप का अल्फा जो तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर सके, जो तुम्हारे लिए सेफ तुम्हें सेफ ना फील करवा सके, तुम उसका ओमेगा बनो? मैं तो कभी ऐसा नहीं चाहता। ओहो, आज तो मेरा भाई भी अल्फाओं के बारे में बात कर रहा है, तो तुम कैसा चाहते हो जेंचा? तुम्हारा अल्फा कैसा होना चाहिए? क्या वो उस लान शिचैन की तरह होना चाहिए जिस पे तुम्हारी नज़र जब से वो वहाँ तुम सेंटर में मतलब एक तरह से ग्राउंड में पहुँचे थे तब से सिर्फ तुम उन्हें ही देख रहे थे? तुम ये क्या बोल रहे हो? विंग की तरफ अब जेंचा थोड़ा सा गुस्सा करता हुआ कूद के दूर जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद ही नहीं थी कि विंग ने उसे ऑब्जर्व किया। हाँ जेंचा सचमुच में शिचैन को छुप छुप के देख रहा था लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि विंग ने उसे ऑब्जर्व कर लिया होगा, क्योंकि विंग का ध्यान तो अपने अल्फा यानी वैनिंग पे था ना। लेकिन विंग स्माइल करता हुआ पर थोड़ी सी जंप करता हुआ कूदता फांदता
अब एकदम से जनचा के पास में आके उसे कंधे पे हाथ रख के उसे तिरछी नजरों से देख कर थोड़ा टीजिंग स्माइल देते हुआ कहता है, मैंने सही पकड़ लिया, तुम्हें वो अल्फा बहुत क्यूट लगा ना। यही कह दे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग और हैंडसम, इसे कहना तो पड़ेगा ये लैंडलैंड के दोनों अल्फा थे तो बहुत हैंडसम और बहुत स्ट्रांग भी, पर मुझे लान शिजैन से ज़्यादा अच्छा तो लान वांगजी लगा। पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। तुमने उसका फेस देखा, कितना कोल्ड था लेकिन उसका ऑरा कितना स्ट्रांग था और कितना अट्रैक्टिव था उसके फीचर। वैसे मुझे लगता है अगर तुम्हें किसी लैन अल्फा से शादी करनी है या उसे अपना अल्फा मानना है तो लान वांगजी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। मेरी बात मानो तो तुम लान शिजैन से नज़र घुमा के लान वांगजी पे दो, जिसपे अब वांगविंग की इस रिएक्शन पे अचानक से जनचा उसे घूरते हुए गुस्सा करता होता है, बिल्कुल नहीं लान शिजैन ज़्यादा अच्छे हैं, वो अकड़ू घमंडी, वो तो बिल्कुल भी किसी और की तरफ देख ही नहीं रहा था, बस घूर घूर के हमें देख रहा था। लेकिन शिजैन उनके चेहरे पर कितनी प्यारी स्माइल थी, शिजैन वांगजी से ज़्यादा अच्छे हैं। एकदम से जनचा बीचा बोलता है, जिसे विंग को इतनी ज़ोर से हंसी आ जाती है कि वो ज़ोर ज़ोर से हंस के अब ग्राउंड पे ही बैठ के अपना पेट पकड़ लेता है और हंसते हुए मतलब जनचा की तरफ उंगली करता है, बोलता है फाइनली तुम्हारे मुंह से सच सामने आ गया, तुम्हें वो सचमुच में बहुत अच्छे लगे, मैंने तो ऐसे ही कहा था, मैं तो देखना चाहता था कि सचमुच में तुम सिर्फ उन्हें ऐसे ही देख रहे थे या मेरा शक सही निकला। तो चलो 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 तुम्हारे अल्फा के पास चलते, हम लेंस के पास चलते हैं, क्या पता वो लोग भी तुम्हें ही ढूंढ रहे हो। वैसे भी मैंने देखा था किस तरीके से वो लान शिजैन और लान वांगजी हमारी ही तरफ देख रहे थे, मैं तो एंगेज्ड हूँ, सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता है तो मुझे तो वो क्यों देखेंगे। इसका मतलब वो दोनों तुम्हें ही देख रहे थे। आप कहीं ना कहीं विंग थोड़ा स्माइल करता हुआ जनचा को टीज करने लगता है, जिसे जनचा के कान और गाल दोनों पूरी तरह से रेड हो जाते हैं, पर वो गुस्से में बोलता है, वी वुशान ज़्यादा बकवास मत करो और चुपचाप से नाइट हैंड पर ध्यान रखो, इससे पहले कोई गोस्ट या कोई सोल हम पे अटैक करे हमें उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। ऐसे एरिया में जहाँ एनिमल नहीं होंगे तो इस टाइप की चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। चलो ये कहीं ना कहीं विंग को अब पूरी तरह से ध्यान भटका के उसके कंपटीशन पर लगाने की कोशिश कर रहा है जनचा, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि विंग बाकी रास्ते उसे शिजैन के नाम से ऐसे टीज करे। लेकिन विंग तो वी विशान है, वो कहाँ सुधरने वाला है, वो तो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, वो सच्ची में जब से वो थोड़ा ही दूर तक जाते हैं बस बार बार जनचा मुझे नहीं जीतना अभी कॉम्पिटिशन जीत के मैं ले ही लूँगा, लेकिन अब तो मेरी लाइफ का एक और नया टारगेट आ गया, मेरे भाई को उसका अल्फा दिलवाना। चलो 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 हम चलते हैं ना दूसरे ट्रैक पे, मेरे ख्याल से क्लैन के लोग उस साइड उठ जाएंगे जहाँ पे एनिमल ना हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग तो एनिमल्स को हंट नहीं कर देते हैं, तो वो भी गोस्ट और सोल्स को ही हंट करेंगे। एक मिनट, हम तो उसी ट्रैक पे हैं, इसका मतलब तुमने जानबूझ के ये ट्रैक चुना था। ओ अब मुझे समझ में आया, तुम इसी कारण इस ट्रैक पे आए हो जहाँ पे ज़्यादा सोल्स और गोस्ट है, ताकि तुम्हें किसी एनिमल को ना हंट करना पड़े, और तुम्हें ये भी पता था कि लैंडलाइन भी शायद इसी रूट पे आएगा। अब जनचा को फिर से टीज करने लगता है, वो ऐसा दिखा रहा है जनचा को जैसे जनचा ने जानबूझ के ये ट्रैक लिया, क्योंकि उसे पता था कि इसी ट्रैक पे लैंडलाइन वाले आएंगे कहीं ना कहीं। अब जनचा विंग से इरिटेट होता है और बोलता है, भी वुशान तुम्हें जो करना है वो करो, अब मुझसे पास भी मत आना और मुझसे कोई बात भी मत करना। जनचा बहुत इरिटेट होता हुआ विंग को थोड़ा सा गुस्से में पीछे छोड़ता हुआ आगे की तरफ जाने लगता है, इसी उम्मीद से कि विंग तो उसका पीछा ज़रूर करेगा। वहीं विंग भी जनचा का पीछा ही कर रहा था जब अचानक से उसे कुछ महसूस होता है, जैसे झाड़ियों में कुछ है। वहीं विंग एकदम से थोड़ा अलर्ट हो जाता है, क्योंकि इस समय यहाँ पे कोई एक तरह से एनिमल तो नहीं है, विंग को महसूस हो गया, लेकिन ये क्या है, क्या ये कोई गोस्ट है या कोई मॉन्स्टर या कोई सोल। विंग इसी तरीके से चीज़ें समझने की कोशिश कर रहा था, तभी उसे एक बहुत बड़ा सा प्लांट मूव होता हुआ दिखता है। एक प्लांट मूव होते हुए विंग के सराउंडिंग में आ जाता है। वहीं विंग इस प्लांट को देखकर पूरी तरह से शॉक हो जाता है, ये प्लांट कोई और प्लांट नहीं बल्कि बहुत फेमस मॉन्स्टर है, जिसे जो एक प्लांट की तरह ही रहता है, और जब उसके पास में कोई आसपास में एक तरीके से इंसान या ह्यूमन आता है तो उस पर अटैक कर देता है। इसके ऊपर जो फ्लावर्स हैं वो भी बहुत ख़तरनाक है, कहा जाता है इसके फ्लावर की स्मेल से लोग अपने हीट या रेट में आ जाते हैं। इस तरह का प्लांट इस फॉरेस्ट में होना नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ पे एक कंपटीशन के लिए इस फॉरेस्ट को बहुत टाइम से लोग क्लीन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, तो ऐसा प्लांट जो किसी अल्फा या ओमेगा को हीट या रेट में ला सकता है, वो प्लांट यहाँ पे होना एक तरीके से विंग के लिए शॉकिंग था।
परवीन एज अ कल्टिवेटर तुरंत अपनी तलवार निकाल लेता है और उस प्लांट के ऊपर अटैक करने लगता है। वो अपने तालिस्मांस का भी यूज़ करने लगता है। हमीन की अटैकिंग की आवाज़ सुन के चंचा जो गुस्से में थोड़ा आगे बढ़ा था वो भी वापस आ जाता है। वहीं चंचा की वहाँ पर लौटने की आवाज़ सुन के विंग थोड़ा अलर्ट हो जाता है। अभी तो विंग इससे लड़ रहा है और विंग के ऊपर इस प्लांट का थोड़ा थोड़ा असर भी होने लगा है। कहीं ना कहीं विंग को लगने लगा है कि जैसे इस प्लांट ने उसके ऊपर अपने फेरोमोन या एक तरह से स्मेल छोड़नी शुरू कर दी है, जिसके कारण विंग ऑलमोस्ट हीट में हो ऐसा उसे फील हो रहा है। लेकिन वो फिर भी अटैक कर रहा है। विंग को डर था कि ये प्लांट अगर जंचा के पास आएगा तो कहीं जंचा भी अपनी हीट में ना आ जाए या जंचा पे भी ये अटैक ना करे। इसे वो जोर से जंचा वहीं रोज चीखता है। इससे पहले विंग अब कुछ करता या वो प्लांट विंग के ऊपर कुछ करता, सडनली दूसरी साइड से दो स्ट्रॉन्ग अल्फा एंट्री करते हैं जिनके हाथों में भी तलवारें हैं और वो विंग के साथ उस प्लांट के साथ अटैक करने लगते हैं। कहीं ना कहीं ये कोई और नहीं बल्कि लान क्लैन ही थे, यानी लांग वांग जी और लान शिचेन। ये दो तीनों मिलके उस प्लांट को एक मिनट में उस मॉन्स्टर को ख़त्म कर देते हैं और वो मॉन्स्टर हवा में धुएं की तरह उड़ जाता है, जिसे देख के ये तीनों शॉक है। क्योंकि अगर ये प्लांट मर भी जाता है तो ये सूखे पेड़ की तरह नीचे गिर के ही डेथ होता है, लेकिन ऐसे हवा में गायब हो जाना, क्या किसी ने डोमैनिक कल्टिवेशन का यूज़ किया है? क्या यहाँ पे कोई डोमैनिक कल्टिवेशन से इस मॉन्स्टर को लेकर आया था और इस मॉन्स्टर ने सिर्फ विंग पे ही अटैक किया? क्योंकि बाकी दोनों यानी वांगजी और शिचैन को तो देख के बिल्कुल नहीं लग रहा कि ये दोनों रट में आए थे। लेकिन ये दोनों इससे पहले कुछ कहते, वहाँ पे जंचा दौड़ के आता है, विंग मैंने आवाज़ सुनी क्या? और वहाँ पे इन दोनों को देखकर जंचा और विंग भी शॉक है। वहीं ये दोनों जंचा और विंग को देखकर शॉक है। कहीं ना कहीं वांगजी और शिचैन ने भी उस प्लांट से थोड़ी सी फाइट तो करी थी, इसलिए वो भी समझ गए कि कहीं ना कहीं किसी ने ये डेमोनिक कल्टिवेशन को यूज़ करके सिर्फ विंग के उस पास ही छोड़ा था एक मॉन्स्टर। इस तरह का मॉन्स्टर जो एक अल्फा या ओमेगा को हीट या रट में लेके आ सकता है, उस तरह का प्लांट सिर्फ विंग के पास छोड़ना, क्या कोई और भी है जो कुछ बड़ा विंग के लिए प्लान कर रहा है? कहीं ना कहीं भांगजी और शिचैन का दिमाग उस चीज़ में दौड़ जाता है और फिर जंचा अब उन दोनों के पास आके उनका धन्यवाद करता है विंग की हेल्प करने के लिए। वहीं विंग भी इसी सोच में था, लेकिन तभी पीछे से दो लोग और आ जाते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वैनिंग और वेंचिंग थे, जहाँ पे विंग अभी थोड़ा सा मतलब फाइट कर रहा था तो वो ज़मीन पे ही गिरा हुआ सा था, जो खड़े होकर अपने कपड़े ही झाड़ रहा था। जब अचानक से वैनिंग दौड़ के विंग के पास आता है और बहुत प्यार से विंग के कंधे को पकड़ता है और बोलता, विंग तुम ठीक हो? विंग तुम्हारे कपड़े क्या किसी मॉन्स्टर ने तुम पे अटैक किया या किसी गोस्ट ने? पर मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिख रहा, कोई डेड बॉडी या कोई इस टाइप की चीज़ क्यों नहीं है? अचानक से मतलब एक तरह से इस क्वेश्चन पे सबका ध्यान जाता है, लेकिन वास किसी का ध्यान तो इस समय इस कंधे और इस हाथ पे है, जो कोई और नहीं पता नहीं वांगजी है। वांगजी को ये दोनों की नसी क्या कुछ अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं क्यों। वैसे भी उसने पहले ही सोचा था कि उसे विभूषण को मार्क करना है, वो नहीं तो उसका ब्रदर, दिल से कोई अटैचमेंट नहीं, सिर्फ एक मार्क करना है, उसे क्लेम करना है, इसलिए इस तरीके से सोचना बिल्कुल मना है, क्योंकि ये चीज़ उसके ब्रदर और उसके दिमाग में पहले से है। वो सिर्फ विंग को यहाँ से मार्क करके अपने साथ ले जाएंगे उसके क्योंकि उनके अंकल को विंग लैंड क्लैन में चाहिए, वरना वो विंग कोई भी तरीके से हार्म या एक तरह से कहते ना वैसा वाला क्या बोलूँ फिजिकल होने का अटैम्प्ट नहीं करेंगे, उसके साथ सेक्सुअली इंगेज होने का अटैम्प्ट नहीं करेंगे, वो पहले से ही दोनों ने सोचा हुआ है। लेकिन अभी पता नहीं क्यों वांगजी को थोड़ा सा जेलस फील हुआ। एक ओमेगा जिसे वो भी कुछ सेकंड पहले मिला है, एक ओमेगा जिसे आज शायद पहली बार देखा है, उसके लिए ये फीलिंग वो भी वांगजी जैसे एक कोल्ड हार्टलेस अल्फा के लिए थोड़ा सा हैरानी थी, क्योंकि वांगजी का नेचर ऐसा ही है। वांगजी सिर्फ 12 साल के था जब तक जैसे ही जब उसका पूरा नेचर बदल गया। 12 साल से पहले वांगजी एक खुश मिजाज हंसने मुस्कुराने वाला अल्फा था जैसा उसका ब्रदर है, लेकिन सडनली 12 साल की उम्र में कुछ बड़ा हुआ जिसके बाद वांगजी एक हार्टलेस कोल्ड अल्फा बन के रह गया। ना ही इसके चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन होता है और ना ही कोई इमोशंस। कहा जाता है कि वांगजी एक पत्थर है, एक ऐसा पत्थर जिसके आगे शायद इमोशंस जैसे शब्द कभी सुने किसी मतलब फील करना तो बहुत दूर की बात है, डिस्कस भी नहीं हुए होंगे। ऐसे पर्सन को आज एक नया इमोशन फील हुआ,
जेलसी वाला। ये चीज वांग जी के लिए भी थोड़ी हैरानी थी, और यही हैरानी कहीं ना कहीं शिचैन को इस चेहरे पे भी है, क्योंकि उन्होंने भी वांग जी के चेहरे के इस हल्के से बदलते हुए एक्सप्रेशन को तुरंत नोटिस किया। और वो अब विंग की तरफ देख के बहुत प्यारी स्माइल करते हैं और मन में डिसाइड करते हैं कि वो तो अब विंग को बिल्कुल भी मार्क नहीं करेंगे। उनके दिमाग में अब ये बात तय है कि वो ऐसा नहीं करेंगे, वो वांग जी को ही विंग को मार्क करने का मौका देंगे। वहीं विंग जो मैनिंग के साथ था वो थोड़ा सा अपने आप को नॉर्मल करता है। ओह माय क्यूट अल्फा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, ये तो एक छोटा सा मॉन्स्टर था जिसे तुम्हें लगता है तुम्हारा ओमेगा हरा नहीं सकता। विंग थोड़ा टीजिंग वे में वह खुले आम सब लोगों के बीच में मैनिंग के साथ फ्लर्ट कर रहा है। ये देख कर कहीं ना कहीं चीजैन के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ जाती है, क्योंकि ये ओमेगा तो सचमुच में बहुत नॉटी है। और वहीं विंग वांग जी के हाथ कस के मुट्ठी मतलब तलवार पर कस जाते हैं। वहीं जनचा गुस्से में अब विंग के सर पर मारता है और बोलता है बंद करो ये सब, अब मुझे ये बताओ वो तुम्हारी आवाज़ तो मुझे आई फाइट की, पर मुझे कुछ देख क्यों नहीं रहा, यहाँ कोई मॉन्स्टर था क्या? एकदम से विंग अब सोच में पड़ जाता है, क्या उसे ये बात जंजा को बतानी चाहिए, क्योंकि उसे अब बिल्कुल ठीक लग रहा है, उसे कोई हीट के सिम्टम्स नहीं लग रहे हैं, तो शायद हो सकता है वो मॉन्स्टर सिर्फ आया हो और चला गया हो। इस चक्कर में वो अभी किसी को कुछ नहीं बताता, अब बोलता है था कोई मॉन्स्टर, शायद मर गया, चलो हम लोग आगे चलते हैं। वैसे भी यहाँ तो सब लोग एक साथ आ गए, तो कोई किसी को चैलेंज करना चाहता है तो पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं विंग थोड़ा सा ये बात जान पूछ के बोल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि शिचैन या हमारे जनचा एक दूसरे को बोले कि वो दोनों चैलेंज करना चाहते हैं, यहाँ पे इन दोनों की फाइट हो, और अगर जनचा हार जाए तो तुरंत शिचैन से मांग कर ले, ऐसा वो मतलब चाहता है, वो देखना चाहता है। इसलिए वो थोड़ा सा जोर डाल के बोलता है, जिस बात पर जनचा तो कुछ विंग को घूर घूर के देखता है। वही वैनिंग तुरंत बोलता है नहीं, यहाँ कोई किसी को चैलेंज नहीं कर रहा, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरे ओमेगा हो, चलो अब पूरे कल नाइट हंट तक तुम मेरे से दूर मत जाना, मैं नहीं चाहता कोई भी अल्फा तुम्हें चैलेंज करे। इस बात पे विंग के चेहरे पे हल्की सी स्माइल और चेहरा हल्का सा ब्लश हो जाता है। उसका प्यारा सा क्यूट सा वैनिंग जिसने आज तक कभी इस तरीके से बोला नहीं, आज वो पहली बार अब विंग के लिए थोड़ा पजेसिव हो रहा है, थोड़ा सा प्रोटेक्टिव हो रहा है, ये देख के विंग को अच्छा लगता है। वहीं वैनचिंग भी तुरंत बोलती है विंग चलो अब मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी, मैं और आनिंग तुम्हारे साथ ही रहेंगे। और ये बोलने के बाद ये तीन चारों वहाँ से दोनों लैंस को बिल्कुल जैसे है ही नहीं इग्नोर करके चले जाते हैं। वही विंग जंचा की तरफ देख रहा है, क्योंकि जंचा भी शायद उम्मीद कर रहा था कि शिचैन कुछ बोले। वही शिचैन ऑब्वियसली सिर्फ मतलब एक तरह से विंग के लिए ही यहाँ इस कंपटीशन में आए, तो उनका ध्यान अभी सिर्फ विंग पर ही था, तो उन्होंने विंग को चैलेंजेस लेने किया, क्योंकि वो चाह रहे थे विंग चैलेंज को चैलेंज खासकर वांग जी करे। लेकिन वांग जी जो शायद वाइनिंग की बात से इतना चिढ़ गया और जल गया कि उसने गुस्से में कुछ बोला ही नहीं। कहीं ना कहीं ये दोनों इस चक्कर में आज विंग को फर्स्ट जैसे उन्होंने बोला था ना कि मिलते ही सबसे पहले चैलेंज कर देंगे, वो नहीं करा। तो अब वांग जी और शिचैन थोड़ा आगे ही बढ़ते हैं, जब शिचैन अपनी नॉर्मल स्ट्रिक्ट वॉइस में ही बोलते हैं वांग जी नेक्स्ट टाइम अगर विंग और हमारे सामने आएगा तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे चैलेंज करो। जिसी से वांग जी के पैर में ही रुक के पीछे मुड़ते हैं। अब शिचैन थोड़ा सा और नॉर्मल वॉइस में बोलते हैं मैं चाहता हूँ विंग को मार्क्ड करने का पहला अटैम्प्ट तुम करो, पर ब्रदर हमारी पहले ही डिस्कशन हुई थी कि ये बात आप पहले करेंगे, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि पहले तुम विंग को चैलेंज करो। मुझे लगता है विंग काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे लगता है वो तुम्हारे टक्कर का ही कल्टीवेटर है, इससे पहले तुम उसे चैलेंज करो। कहीं ना कहीं शिचैन क्लियरली नहीं बताना चाहते कि उन्हें लग रहा है कि वांग जी के ही विंग के लिए परफेक्ट मेट या एक तरह से अल्फा रहे, बस वो बात घुमा कर ही बोल रहे हैं। लेकिन वांग जी इस बात पे में रिस्पॉन्स करके कदम से आगे बढ़ जाते हैं। अब ये दोनों फिर से विंग के वाले ट्रैक पे ही जा रहे हैं, थोड़ी दूरी पे, क्योंकि अब दोबारा से विंग से वो टकराएंगे तो दोबारा से वो उससे बातें करेंगे। वहीं वैनिंग और वेंचिंग ने थोड़ा सा ट्रैक चेंज कर दिया, शायद कहीं ना कहीं वैनिंग और वेंचिंग मतलब एक तरह ऐसी जगह चाह रहे हैं जहाँ पे वो आराम से रुक के आराम से सारा हंट करके और फिर धीरे से आगे बढ़े, क्योंकि लगातार चलते रहे और बिना किसी हंट किए हुए तुम फिनिशिंग लाइन के पास पहुँच जाओगे तो भी तुम जीत नहीं पाओगे। इससे पहले थोड़ा वेट करके किसी का हंट का भी वो वेट कर रहे हैं, एक तरह से कहना बैठ के अपने शिकार का वेट करना,
इस तरीके से वो कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इन दोनों के मतलब को क्रॉस करके लैंस थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं। उन्हें महसूस नहीं होता कि जियांग्स ने अपना ट्रैक थोड़ा सा बदल दिया। वहीं दूसरी तरफ वैन क्लैन के दो लोग और हैं जो इसी ट्रैक पर हैं और थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ये कोई और नहीं बल्कि वेंसु और वैन चाओ है। वहीं वेंसु गुस्से में बोलता है, तुमने मुझे कहा था हाँ कि फादर ने सब कुछ प्लान कर दिया, अब तक विंग की फेरोमोन्स मुझे फील क्यों नहीं हो रहे? अगर वो अपनी हीट में आ गया होता तो मुझे वो फेरोमोन्स फील होते, पर मुझे कहीं कोई फेरोमोन्स फील नहीं हो रहे। क्या अब तक वो मॉन्स्टर ने विंग पे अटैक नहीं किया? नहीं कर रहा है तो कर लेगा। अब बहुत शांति से वैन चाओ बोलता है, अगर फादर ने बोला है कि उन्होंने सब कुछ प्लान कर दिया है तो उन्होंने ये भी प्लान किया होगा। मुझे यकीन है कि कुछ तो है जो फादर ने हमारे लिए सोचा हुआ है, और फादर ने आज तक जो भी हमसे कहा है वो हमें दिया है। तो तुम चिंता मत करो, विभीषण को कोई और अल्फा टच भी नहीं कर सकता क्योंकि वो इतना स्ट्रांग कल्टीवेटर है, और आज वो हम दोनों के हाथ पहुँच से बाहर भी नहीं जाएगा क्योंकि फादर ने ऑलरेडी उसके लिए सब कुछ प्लान करा हुआ है। कहीं ना कहीं ये दोनों अपने आप में कॉन्फिडेंट है, और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो गाइस, ये नाइट हंट में क्या नया ट्विस्ट आने वाला है? शिचैन तो पहले ही बैकआउट कर चुके हैं कि वो विंग को मार्क नहीं करेंगे, पर बाकी दो लोग जो विंग के ऊपर गंदी नज़र रखे बैठे हैं, शेर वैंजू और वैंशा, क्या वो जी से पहले विंग को मार्क कर देंगे या क्या होगा? उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगे। कैसा लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट से मुझे पता चलता है कि आप मेरी स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है, तो कमेंट करके प्यार दिखाना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।